सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं ओम छंगानी। हमारी फिल्म मिस्टर कबाड़ी, जो अनूप जलोटा जी और साधना टीवी के राकेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी और मैंने, मेरा ओम छंगानी फिल्म्स के नाम से पहला नाम लंबी के बनाई है। 25 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। एक बड़ी ही खूबसूरत कॉमेडी विद ब्यूटीफुल कंटेंट, जो कि ओम पुरी साहब की आखिरी फिल्म है और ओम पुरी साहब का एक बड़ा ही सुंदर किरदार इस फिल्म में देखने को, दर्शकों को मिलेगा। और उनकी वाइफ सीमा कपूर इस फिल्म की स्क्रीन प्ले राइटर और डायरेक्टर हैं, तो उनकी डायरेक्शन में ओम पुरी साहब ने पहली बार काम किया। आप फिल्म प्रोड्यूसर कैसे बने थोड़ा सा? फिल्म प्रोड्यूसर बनने का ये मेरी डेब्यू फिल्म प्रोडक्शन का काम हुआ है और अनूप जलोटा जी से मेरे बहुत ही घनिष्ठ संबंध है बहुत सालों से। वो संगीत ही वैसे, मैं भी आई एम ऑल्सो अ म्यूज़िक बफ, तो उनके प्रोग्राम भी करवाता रहता था, बात होती रहती थी। बेसिकली आई एम ए बिजनेस मैन, आई एम इनटू बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस। तो अनूप जी ने बोला कि भाई ओम जी, ये जब सीमा जी ने ये कहानी सुनाई उनको, उनको बड़ी अच्छी लगी और उनको लगा कि भाई मैं बीइंग अ बिजनेस मैन, मैं एक कमर्शियल इक्विपमेंट कुछ रखता हूँ और मैं शायद कुछ ठीक ठाक कर लूँगा, क्योंकि अनूप जी को खुद को समय नहीं मिलता है, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो उन्होंने बोला है ओम जी आपको भी करना है, तो हमने कहा आपका ऑर्डर है तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमको भी एक पैशन तो म्यूज़िक एंड आर्ट का शुरू से रहा है। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और एक मैं बोलूँगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि पहली फिल्म में इतना अच्छा साथ अनूप जलोटा जी का साथ मिला और इतने अच्छे कलाकारों की फिल्म हमको बनाने को मिली, जिसमें ओम पुरी साहब हैं, अनु कपूर हैं, सारिका है, विनय पाठक हैं, ब्रजेंद्र काला है, ये सारे के सारे नाम जो हैं ये एक्टिंग के स्टार हैं। आज के समय में पब्लिक बड़ी समझदार हो गई है, आपने देखा है कि स्टार की फिल्म भी चलती नहीं है, और जिसमें कंटेंट होता है वो चलती है। तो हमारे एक्टिंग के स्टार ने इस फिल्म में बड़ा मेहनत से और बहुत बढ़िया काम किया है और ये 2 घंटे की सुपर कॉमेडी है विद ब्यूटीफुल कंटेंट। ये आलतू फालतू भोंडी कॉमेडी नहीं है, इसमें एक मैसेज भी है। ये मैसेज है कि एक छोटा आदमी जब उसके पास पैसा आ जाता है तो उसकी क्या दुविधा हो जाती है। उसकी दुविधा ये हो जाती है कि वो अपने आप को हायर सोसाइटी में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, उसके लिए उसको मजबूरी में अपने लोगों से कतराना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है कि मैं मेरे लोगों से दूर रहूँ ताकि मेरी आइडेंटिटी छुप सके। ये उसकी बड़ी त्रासदी है, इसको बड़े खूबसूरत कॉमिक वे में सारी चीज़ को दिखाया गया है। तो एक कबाड़ी जो मिस्टर कबाड़ी बन जाता है, जब उसके पास अपने नाना की ज़मीन होती है, वो बिकने के बाद उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो लेकिन है तो वो कबाड़ी, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है और वो जैसे उसको समझ में भी नहीं आता व्यापार क्या करे, पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक बड़ा अच्छा एक नेक व्यापार वो करता है कि वो चेन ऑफ टॉयलेट्स बनाता है। और उसका लड़का भी जो डेब्यू फिल्म है उसकी, हमारे राजवीर हमारा हीरो है, तो वो अभी वो 150 शौचालय पे उसका नंबर पहुंच जाता है, लेकिन उसको बोलने में पैसे कमा रहा है लेकिन बोलने में शर्म आती है कि मैं शौचालय का धंधा करता हूँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। तो इस तरह की कई खूबसूरत इसमें बातें हैं और इस फिल्म का जो एंड है वो बड़ा ही भावुक हो गया और वो योगा योग हो गया, हमारे भी समझ में नहीं आया उसमें लास्ट में, क्योंकि पुरी साहब इस फिल्म के सूत्रधार हैं, तो वो एक फील होता है अनु कपूर को कि वो आए हैं, वो छन्नू चाचा इतर वाले सुहागरात इतर बेचते हैं, हसरतों का सुरमा बेचते हैं जी। तो वो गाड़ी में विनय पाठक उनके साले हैं, वो दोनों जा रहे हैं, तो वो बतिया रहे हैं पीछे सीट पे पुरी साहब बैठे हैं कि अरे मेरे को मेरा ख़त्म हो गया है वो हसरतों का सुर दे दो। तो बोलते रहे भाई हसरतों के सुरमों में क्या रखा है तुम्हारे पास, तो सब है गाड़ी घोड़ा बंगला सब, क्या करना है अब, तो मोहब्बतों का इतना लगाओ सुख चैन से रहो। इस तरह की उनकी बातें होती हैं
तो उसके बाद गाड़ी खड़ी होती तो विनय पाठक को लगता है गाड़ी में कोई नहीं है, तो उधर के चारों तरफ से देखते हैं, बोले फिर बोलता है वो मजाक में कि जिया जी को गैस हो गया है कोई गाड़ी में नहीं है, ऐसे करके गाड़ी निकलती है। उसके बाद वो बताते हैं कि पुलिस साहब जा रहे हैं, और जाते जाते वो एक टर्न करके देखते हैं एंड देन द एंड ऑफ द फिल्म। हमको नहीं मालूम था कि ये एंड वास्तव में उनका हमेशा के लिए गुड बाई हो जाएगा, ये एक योगा योग इस तरह का हो गया। तो ये बड़ी सुंदर फिल्म बनी है, इसका संगीत भी बड़ा अच्छा है, इसमें हमने एक जो टिपिकल अभी बॉलीवुड में जो चल रहा है उससे हटके हमने इसका म्यूजिक दिया है, इसमें हमने कव्वाली रखी है, बड़ी खूबसूरत कव्वाली है जिसमें अनु कपूर और पुरी साहब का एक आपस में जो टसल होता है उसको दिखाया गया है बड़े अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसमें एक जैसे आइटम नंबर की जगह हमने कबाड़ी सॉन्ग रखा है जो कि सुखविंदर सिंह ने गाया है, बड़ा अच्छा गाना है वो जी, उसका वेस्टर्न थोड़ा स्टाइल है। दो रोमांटिक नंबर है इसके, जो एक गाना तो शान और मधुश्री ने गाया है और एक गाना जावेद अली ने गाया है, वो भी बड़े बड़े अच्छे गाने हैं और बहुत लोगों को पसंद आएंगे ऐसा हमारा मानना है। और इसमें भजन सम्राट अनुज जलोटा जी ने एक कॉमिक भजन गाया है, वो एक अलग ही चीज़ हो गई, वो भजन तो सैकड़ों हजारों गाए हैं अनुज जी ने, पर ये एक कॉमिक भजन है क्योंकि वो एक शौचालय की मुहूर्त में आते हैं और वहाँ ये कॉमिक भजन आता है, और वो इस तरह से हो गया कि हमने इस फिल्म में चंडी पाठ से जूता पॉलिश सब किया और वो भजन ऐसे सिचुएशन हो गई उसको मेरे को लिखना पड़ा, तो भजन मैंने लिखा है। तुकबंदी है वो लिखने में मैं कोई बहुत बड़ा लिरिसिस्ट नहीं हूं, तो वो तुकबंदी मेरी है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।